नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिला के चौरई में मीडिया संघ का गठन हुआ, जिसमें अजीत पांडे को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पत्रकारों की एकता तथा पत्रकारिता एवं पत्रकारों के हितों के लिए सदैव संघशील यूनियन मीडिया संगठन मध्य प्रदेश की चौरई तहसील इकाई का गठन हुआ। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी, प्रदेश महिला अध्यक्ष सुनीता सोमकुवर के निर्देशन एवं संगठन के प्रदेश सचिव पत्रकार यूनुस कुरैशी तथा जिला अध्यक्ष मनीष साहू, जितेंद्र सिंह ठाकुर, हेमराज मांडेकर, असलम खान, मोहम्मद शकील कुरैशी, अमित सोनी, अमित डेहरिया, श्रवण कामड़े, मुकेश कुरुटे के पर्यवेक्षण में हुआ। प्रदेश संभाग एवं जिले से आए हुए सभी पत्रकारों का स्वागत वंदन अभिवंदन किया गया। आज चौरई कम्युनिटी हॉल में मीडिया संगठन मध्य प्रदेश की नवीन कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अजीत पांडे को चौरई तहसील अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इसी के साथ कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें मनोज साहू उपाध्यक्ष, राजेंद्र डेहरिया उपाध्यक्ष, गजानन सोनी सचिव, हर्षित चौरसिया सह सचिव, दीपक साहू संगठन मंत्री, राजेश उइके कोषाध्यक्ष, शंकराम वर्मा मीडिया प्रभारी, विनोद पाल सदस्यता प्रभारी, सौरभ जैन कार्यालय प्रभारी, संरक्षक में अभिषेक मिश्रा, मनोज पटेल जिला कार्यकारिणी सदस्य में, भुजेंद्र शर्मा, अजय सेन, प्रदीप पांडे संभागीय कार्यकारिणी में, अनिल राय, श्याम चौरसिया प्रदेश कार्यकारिणी चौरई, धीरज खंडेलवाल, अमित सोनी एवं सदस्य गण में संदीप शर्मा, राजेंद्र जंघेला, सोहन श्रीवास, नितिन रघुवंशी, वीरेंद्र धाकड़, संदीप पलखनिया, इन्हें शामिल किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी द्वारा कहा गया कि मीडिया संगठन में शामिल सभी सदस्यों को एकता का परिचय देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूती प्रदान करना संगठन की हर सदस्य की जिम्मेदारी है। यह संगठन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इनबीसीएन न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट। चंद्रपुर जिले के बलारपुर शहर में बिल के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध पेपर मिल है, जहां लकड़ी के इस्तेमाल से पेपर बनाया जाता है। उसी पेपर मिल में स्थानिकों का योगदान शुरू से रहा है। चंद्रपुर जिला एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने से पेपर, सीमेंट, कोयला, आयरन जैसे बड़े उद्योग फल फूल रहे हैं, लेकिन उत्पादक बढ़ाने वैश्विक होड़ में सभी उद्योगों में सुरक्षा के प्रति हद से ज्यादा लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। उद्योग प्रबंधन इससे कोई सीख ना लेते हुए अपना उत्पादन बढ़ाने में जुटे हैं। मृतक के परिवार को थोड़ा धन और नौकरी देकर खामोश कर देते हैं। ऐसा ही एक हादसा 3-1 नाम से मशहूर बिल्ड पेपर में उजागर हुआ है। दर्दनाक हादसे से मृतक दिगंबर महाजन उम्र 43 किला वार्ड बल्लारपुर निवासी की केमिकल की टंकी में गिरने से दर्दनाक मौत होने का कारण बताया जा रहा है। वहीं मौके पर कर्मचारी दिगंबर महाजन को उपचार के लिए नागपुर भेजा गया था। लगातार 10 दिनों के इलाज के दौरान आज दिगंबर की मौत हुई है। उसे डॉक्टरों ने केमिकल इन्फेक्शन की वजह से मृत घोषित किया है। वहीं बल्लारपुर में शाम 7 बजे बिल्ड प्रबंधन के गेट के सामने लाश रखकर मृतक की पत्नी मनीषा दिगंबर के साथ महाजन परिजनों ने ठिया आंदोलन कर बिल्ड में मृतक परिजन को परमानेंट नौकरी और उसके बच्चों की परवरिश के लिए व जीवन यापन के लिए 40 लाख की मांग कर नजर आ रहे हैं। मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों कंपनी के मजदूर और बल्लारपुर के नागरिकों की भीड़ मौजूद है। ऐसे में तनाव स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तगड़ा बंदोबस्त रखा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से डटी है। उलगुलान के राजू जोड़े और आम आदमी पार्टी के सूरज ठाकरे के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता पेपर मिल प्रवेश द्वार पर धरना देकर बैठे थे। आज बिल प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, जो नेहमी नेहमी मराठी माणसाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतो, येथील अकार्यक्षम युनियन, आज इथे एका कामगाराचा मृत्यू झाला। केमिकलच्या 4 फूट खोल खड्ड्यांमध्ये तो कामगार मरण पावला होता आणि सकाळपासून त्याची ताई, त्याची आई, त्याची पत्नी, त्याची मुलगी हे आज सकाळपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेमध्ये, आज आता 8 वाजलेत तेव्हापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेमध्ये या ठिकाणी त्या कामगाराचा मृतदेह बिल प्रशासनाच्या बिलच्या कंपनीच्या गेटसमोर आणून ठेवलेला आहे। शेवटी पालकमंत्र्यांना या ठिकाणी हस्तक्षेप करावा लागला। पालकमंत्र्यांपर्यंत ही बातमी गेल्यानंतर, पालकमंत्र्यांना सांगितल्यानंतर, त्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर पोलीस प्रशासन योग्य प्रकारे सहकार्य करत आहे, परंतु बिल प्रशासन कुठेतरी सहकार्य करताना दिसत नाही आणि 10 ते 15 मिनिटं आता ते येतील, लेखी स्वरूपी देतील असं त्यांचं म्हणणं आहे। अशा पद्धतीने एखाद्या मृत पावलेल्या कामगाराचा आणि त्याच्या परिवाराचा जो हसा ही बिल प्रशासन उडवते आहे, हे निंदनीय आहे। या ठिकाणी परत तरी पुन्हा अशा पद्धतीने काम हे होऊ नये, अशीच एवढीच आमची या ठिकाणी या परिवारासह अपेक्षा आहे। आम आदमी पक्षाकडून मी या ठिकाणी आलो, मध्य भवानी कामगार संघटना आहे, मला
बातमी मिळाली। आमचे सहकारी या ठिकाणी उपस्थित परिवार उपस्थित आहे आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता सकाळपासून त्याला न्याय मिळाला नाही म्हणून छोटी घरच्यांनी ही सगळी घरची मंडळी आहेत ही एवढीशी त्याची लहान मुलगी आहे ती लहान मुलगी सकाळपासून या ठिकाणी बसते आहे बसलेली आहे। बिल्ड प्रशासनाचा कुठलाही व्यक्ती अजूनपर्यंत आलेला नाही। पोलीस प्रशासन त्यांना विनंती करून करून थकून गेलं। पोलीस प्रशासनावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची जबाबदारी असते पण पोलीस प्रशासनाला जर अशा पद्धतीने कामगार म्हणजे अशा पद्धतीने कामगार करता हे प्रशासन जर बिल प्रशासन सहकार्य करत नसेल तर पोलीस प्रशासनाने कशा पद्धतीने सहकार्य करू शकेल। या ठिकाणी प्रशासनाला वेठीस धरण्याचं काम हे बिल प्रशासन करते आहे। अशी पद्धतीची बिल प्रशासनाने अरेरावी यानंतर तरी मराठी माणसांनी खपवून घेऊ नये हे मी या ठिकाणी या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो आणि यांना न्याय जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही देखील या ठिकाणाहून जाणार नाही। एनबीसी न्यूज के लिए बलारपुर से सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण में गड़बड़ी न हो इसके लिए तालुका के समुद्रपुर में भारत राष्ट्र समिति की ओर से मोर्चा का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र में पहली बार भारत राष्ट्र समिति ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर समुद्रपुर में सड़कों पर उतरी है। मोर्चा में ओबीसी के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठों को आरक्षण देने अनुबंध के आधार पर भर्ती के फैसले को रद्द करने सोयाबीन के नुकसान के लिए प्रति हेक्टर 50,000 रुपए देने की मांग की गई और साथ ही मोर्चा निकाला गया। उमेश वावरे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और नागरिक मार्च में शामिल हुए थे। इस अवसर पर विभिन्न मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। साइंटिस्ट है मी एज्युकेटेड असल्यामुळे मला समजते आरक्षण काय आहे आणि आरक्षण काय नाही आहे। मला असं वाटते मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे आणि ओबीसी जे आमचे बांधव आहे ते आता मुख्य प्रवाहात येत आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही लवकरात लवकर त्यांच्या नोकऱ्या काढल्या त्या प्रयत्न करून राहिले आणि त्यांचा जो आरक्षणाचा आहे तो ओबीसी मराठ्यांना त्यांना घुसवण्याचा प्रयत्न इनडायरेक्ट करत आहे हे आम्ही कदापि खोपवून घेणार नाही। सगळ्या जनतेचा मुद्दा आहे मला माहित नाही ते मागे हात करून काय बसतात आणि काय नाही त्यांनी तर समोर यायला पाहिजे ओबीसी नेते म्हणून पण हे दुर्दैव आहे की ते फक्त राजकारण करतात आणि शेतकरी आणि ओबीसीची थट्टा करतात। एनबीसी न्यूज के लिए समुद्रपुर से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।